जनपद रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में सावन के दूसरे सोमवार को भी शिव भक्तों की सुबह से भीड़ लगनी शुरू हो गई। बताते चले कि विश्व प्रसिद्ध श्री केदारनाथ धाम में भी सुबह से श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना के लिए कतार में खड़े होकर भोले के दर्शनों का इंतजार कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग के प्रसिद्ध शिव मंदिर कोटेश्वर महादेव मंदिर और कोटगी में पंचमुखी महादेव मंदिर में भी महिलाओं द्वारा शिव मंदिर में जल चढ़ाया जा रहा है। साथ ही महिलाएं भोले बाबा के कीर्तन भजन भी गाते हुए नजर आ रही हैं। वहीं अब धीरे धीरे दिन चढ़ने लगा है तो शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी लगने लगी है। श्रावण मास जो है एक ऐसा मास है कि चातुर्मास कहते हैं इनको, तो चातुर्मास में हमारे महात्मा लोग विद्वान लोग कहते थे कि महीने 12 होते हैं, 12 में से अगर 4 महीने गए माइनस हो जाएगा तो जीवन में शून्य रहता है। इसलिए ये जो 4 महीने हैं चातुर्मास के, ये जो है बहुत बड़ा पुण्यशाली महीने हैं। इनमें जो है भजन पूजन करने से बहुत ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त होता है, अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसी में इन्हीं 4 महीनों में सभी को, प्रत्येक संसार में पृथ्वी मंडल में सभी जीव जितने भी हैं, प्राणी मात्र जितने भी हैं, सबका संरक्षण होता है। अन्न की उत्पत्ति होती है, नाना प्रकार के अनाजों का जो है यहाँ पे जो उत्पादन होता है। श्रावण का, ये चातुर्मास का बहुत बड़ा महत्व है।